अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 केजी। यानी कि अगर हमारे पास बुक्स हों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बुक्स, उनने हमें बताई हुई है 108 बुक्स हैं हमारे पास और उनकी जो उनका जो मास है वो है हमारे पास 30 केजी। ये नंबर ऑफ बुक्स है, इसका जो मास है वो 30 केजी है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड, नंबर वन पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि हमने फाइंड करना है अगर हमारे पास 150 बुक्स हों तो उनका मास कितना होगा। हम लोगों ने मास फाइंड करना है 150 बुक्स का। अब उन लोगों ने हमें दो मेथड दिए हैं, एक यूनिटरी मेथड है और एक प्रोपोर्शन मेथड है। अब आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी सॉल्व, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। मैं पहला पार्ट यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देती हूँ और जो दूसरा पार्ट है उसको मैं आप लोगों के लिए प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से। 108 बुक्स, पहले हम लोग इस लाइन है, ये जो हमें गिवन लाइन दी हुई है, इसको हम लोग सेंटेंस की फॉर्म में लिख लेंगे कि 100 बुक्स जो है हमारे पास, 100 बुक्स है 30 केजी मैथ। ये हमारे पास जो 108 बुक्स हैं उनके उनका जो मैथ है वो है 30 केजी। ठीक है, अब अगली बारी में हम क्या करेंगे कि हम लोग को 108 बुक्स का मैथ पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बुक का मैथ फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई, टू एक्स है इक्वल टू वाई। अगर ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, अल्जेब्रिक इक्वेशन, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हो 3, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3/2, इस तरह कर देते हैं ना हम। इसमें भी इसी तरह करेंगे कि 108 को हम उधर लेके चले जाएंगे और वन बुक जो हमने वन बुक का जो हमने मैथ फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वन बुक सपोज कर रहे थे एक्स, और जो टू है वो इसकी वैल्यू है 108 और ये जो थ्री है वो 30 केजी सपोज कर रहे थे। तो फिर हम क्या करेंगे, वन बुक जब हम इन सब बुक्स को उधर लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे कोई बुक नहीं रह जाएगी। हम कर देंगे कि वन बुक सपोज कर लेंगे है 30/108 मैस केजी किलोग्राम मैस। ये हम लोगों ने कर लिया, वन बुक का मैस हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो उन्होंने हमें बुक्स नंबर ऑफ बुक्स दी हुई हैं इसको हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस साइड पे भी जरूर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चले 150 बुक्स की का जो मैथ है वो क्या है। उसको फाइंड करने के लिए हमें इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरी जो साइड है हमारी उधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। है 30/108 मल्टीप्लाई बाय 150। अब अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 150 को मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो हमारे पास आता है, अगर आप 30 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4500/108। अब हम इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास 2/3, ये हमारा किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास यही आंसर आता है, 41/2/3 आता है। तो ये हमारा इसका मैस आ गया, 150 बुक्स हों तो उसका मैस ये होता है। हम लिख लेंगे 150 बुक्स हैव 41/2/3 केजी मैस। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने रफ में किया है तो आप इसको नीट में उतार लें। नेक्स्ट हमारा जो का जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने हमें मैथ दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि आपने इसका इसकी नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है कि ये अगर हमारे पास हो 20 केजी मैथ तो कितनी बुक्स होंगी कि उसका 20 केजी मैथ आ जाए। तो हम इसमें प्रोपोर्शन मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपको वो आसान लगे, लेकिन मुझे तो दोनों आप लोगों को समझाने, इस वजह से मैं एक
क्वेश्चन जो यूनिटी मेथड से करवा रही हूँ और दूसरा जो पार्ट है वो प्रोपोर्शन मेथड से करवा रही हूँ। तो इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्रोपोर्शन मेथड से। प्रोपोर्शन मैथड, इसमें भी आ गया हमारे पास दो ऑप्शन। पहला ये कि अगर आपने नंबर ऑफ, ये जो बुक्स हमें दी हुई हैं और ये हमें जो मैथ दिया हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि बुक्स 10, जैसे बुक्स दी हुई हैं एक्स, इनका जो फॉर्मूला है वो है x1। ये प्रोपोर्शन मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपने हर जगह यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इसमें ये जो 2 मैंने लगाया, ये स्क्वेयर नहीं है, ये एज उन्होंने आइडेंटिकल करने के लिए कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो इसको सेपरेट करने के लिए उन्होंने ये 2 लगाया, स्क्वेयर नहीं है ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम सपोज कर लेंगे एक्स और इसको हम सपोज कर लेंगे वाई, या इस तरह भी कर सकते हैं, इसको y सपोज कर लें और इसको x सपोज कर लें। लेकिन जोन सी हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको x सपोज कर लेंगे, इसको y सपोज कर लेंगे। अब हमने इसको फाइंड करना है तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं, x आ जाएगा, इसके नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो 7 होगी ना, क्योंकि ये बुक्स है तो ओवर मैथ आएगा, 20 आ जाएगा। अगर हमने इधर बुक्स ओवर मैथ किया है तो इधर भी हम बुक्स ओवर मैथ करेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि हम बुक्स ओवर मैथ किया तो यहाँ मैथ ओवर बुक्स कर देंगे, हम लोगों ने इसी तरह लिखना है, सेम पैटर्न दोनों साइड पे यूज किया जाएगा। यहाँ पे है बुक्स हमारे पास 108/30, ये हमारे पास फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स, और ये भी हमारे पास है नंबर ऑफ बुक्स। आपके पास दो ऑप्शन है, इस तरह लिख लें कि नंबर ऑफ बुक्स ऊपर लिख लें और नंबर ऑफ यानी कि जो मैथ्स है वो नीचे लिखने, इस तरह भी कर सकते हैं, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स एक साइड पे कर लें, ये नंबर ऑफ बुक्स है 108 और ये एक्स, ये एक साइड पे कर लें और जो इनका जो है मैथ्स वो हम एक साइड पे कर लें, इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करती हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया ऊपर नंबर ऑफ बुक्स ओवर उसकी उसका मैथ, और ये नंबर ऑफ बुक्स ओवर उसका मैथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 20 जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने एक्स फाइंड करना है तो हम इसको एक साइड पर कर देंगे, बाकी जो तमाम वैल्यूज हम उसको दूसरी साइड पर कर देंगे। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 108/30 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम इस तरह लिख लेंगे तो अब हम ये जो जीरो है इसको इससे काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, अब ये इस पे, ये 3 इस पे कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 = 9, 10 में से 9 हमने काट दिया, बाकी 1 रह गया, वो इधर चला गया, तो हमारे पास आएगा 3 × 6 = 18, 36 आ गया और ये 2 रह गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 36 × 2 आ जाएगा, इस तरह एक्स इक्वल टू 36 × 2 आ जाएगा। 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, और 2 को 3 से किया 7 आ गया, ये आ गया 72 हमारा आंसर आ गया। प्रोपोर्शन मेथड से पार्ट नंबर 2 का हमने आंसर निकाले 72। अब आप यूज़ करें आंसर वही आना है, प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करें आंसर सेम आना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने आपको यूनिटरी मेथड समझा दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके मुतलिक तो आप कमेंट्स में बता दें, तो हम ज़रूर उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स। अब हम बुक्स की हमको बताया गया कि अगर हमारे पास 60 बुक्स हों, ठीक है, उसकी उन्होंने हमें लेंथ बताई हुई है, जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की है ना, यानी कि इस तरह अगर शेल्फ है हमारे पास और यहाँ पे ऐसे 60 बुक्स पड़ी हुई हैं, और जितनी उन्होंने लेंथ यूज़ की है उस जगह की, वो है हमारे पास उन्होंने गिवन में दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है।
यानी कि 60 बुक्स 1.5 मीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, लेंथ ऑक्यूपाई कर रही हैं, और यहाँ लिखेंगे लेंथ। उसमें उन्होंने हमें मैथ दिया हुआ था, इसमें लेंथ दे दी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। वहाँ पे मैथ की जगह हम अब लेंथ लिख देंगे 1.5, इसमें आपने मीटर नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। अब वो कह रहे हैं अगर 60 बुक्स 1.5 लेंथ ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो अगर हमारे पास 50 बुक्स हों तो वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेंगी, वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रोपोर्शन मैथड यूज करेंगे, प्रोपोर्शन मैथड यूज कर देंगे हम इसमें। जब हम उसको यूज करेंगे उसका फॉर्मूला हमें पता है x1 over y1 equal to x2 over y2। अब मैंने जैसे आपको बताया ऊपर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स, अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है लेंथ। मैंने आपको बताया था कि जो जब लेंथ फाइंड करनी है उसको आपने x सपोज करना है, ऊपर x है तो हम ऊपर लेंथ लिख देंगे, ठीक है। जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमने यहाँ पे लिखनी है, तो ये लेंथ है ना, इसको हम x सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ओवर, इसके नीचे ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर ये लिखेंगे यहाँ पे कोई चीज फाइंड करनी है तो उसके साथ जो वैल्यू होगी उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे फाइंड करनी है लेंथ, इसके साथ जो लिखी हुई है वैल्यू उसको हम नीचे लिख देंगे। अब ये वैल्यू रह गई है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा लेंथ ओवर बुक्स, इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी साइड पे भी सेम पैटर्न यूज करेंगे, लेंथ ओवर बुक्स का पैटर्न यूज कर लेंगे हम। ये फॉर्मूला मैं रेस्ट कर लेती हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1.5 over 60 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा। जीरो जीरो से कट गया, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ भी लागू जगह x equal to 1.5 over 6 multiplied by 5 आ गया। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 6 वैसे का वैसे आ गया, 1.5 आ गया, 15 आ गया हमारे पास। ये यहाँ पे पॉइंट है ना, जब हमने इसको हटाया तो ये 1 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसके बाद जितने भी वैल्यूज होती हैं उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, इस तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 5, ठीक है। अब हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 60 आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। इसको हम इसके साथ कट करेंगे तो आएगा 5 1 5, यहाँ पे 5 1 5 आ जाएगा, 1 बच गया वो इधर चला गया, 10 हो गया, तो 5 2 10 15 over 12 हमारा आंसर आ गया। अब नीचे हमारे पास छोटी वैल्यू है, यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं रफ अमल में, 12 बाहर आ गया, 15 अंदर आ गया, 12 1 12, बाकी हमारे पास क्या बचा, 3। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए मैं ये कर रही हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हमारे पास 1 वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे इसके साथ 0 लगा देंगे। जब हम 0 लगाएंगे तो 12 2 24 आ जाएगा, ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं, 12 2 24 आ जाएगा, बाकी हमारे पास 6 रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पॉइंट लगाया हुआ है, अब हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं आगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे दोबारा पॉइंट लगाएं। तो हमने पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पे हम एक 0 लिख देते हैं, 60 आ जाएगा, 12 5 60 आ गया, हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हमारा आंसर आया है 1.25। हम लोग इसको भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1.5 लेंथ दी हुई है, तो जब हम दूसरी लेंथ फाइंड करेंगे तो वो भी हम पॉइंट में ही फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। प्रोपोर्शन मेथड बहुत आसान मेथड है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वो तो ज़्यादा भी आपके, वो तो उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर था आप डायरेक्ट 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको डायरेक्ट 60 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है तो उनके लिए ये लंबा सा प्रोसीजर है, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके जो सेकेंड पार्ट कर लिया है, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी इन्होंने हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने हमेशा याद करना रखना है कि अगर हमें एक चीज़ दी हुई है मीटर में, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें उससे रिलेटेड जो अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी चीज़। अब हम लोगों ने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, वो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो पहले जो वैल्यू दी हुई थी लेंथ की वो मीटर में थी। हाँ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो अगली जो हमें वैल्यू दी हुई है लेंथ की वो अगर सेंटीमीटर में है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करें, वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम करते हैं डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हमारे पास जो सेंटीमीटर की जो वैल्यू दी हुई थी वो 80 थी, उसको हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो हमारे पास देखो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा और 8 जब 10 से डिवाइड होगा इस तरह 10 और 8 0 आ जाएगा, उसके आगे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 10 8 जा 80 आ जाएगा, इस तरह कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 मीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो उन्होंने हमें वैल्यू दी थी सेंटीमीटर में उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, हमारे पास आ गया 0.8 मीटर। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हमने इसको फाइंड करना है। अगर हमने कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसके जगह हम प्रोपोर्शन मैथड में एक्स लगा देंगे, प्रोपोर्शन मैथड यूज करते हुए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है एक्स यहाँ पे आ जाएगी और इसको हम वाई सपोज तो खींचे लेंगे 0.8 इक्वल टू लगा देंगे ये 60 ऊपर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू इसके साथ आएगी और इसके साथ जो वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, इसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जिसके साथ वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, इसी तरह ये बच गई तो इसको हमने 1.5 ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इक्वल टू 60 ओवर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आ जाएगा। अब जब ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि पॉइंट को हम पॉइंट के साथ काट दें। अगर इस तरह आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है ना और यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ देख देते हैं, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा क्योंकि इसके पॉइंट के आगे एक वैल्यू है तो वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है अब हम इसको जब हटाएंगे तो नीचे तो हम 10 नहीं लिख सकते ना क्योंकि यहाँ पे ये पहले बटे के नीचे है और इसके नीचे बटा लगा के तो नहीं 10 लिख सकते, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो 10 है ना जब इसके पॉइंट को हटाएंगे जो 10 आएगा ना वो हम ऊपर लिख देंगे ऐसा मल्टीप्लाई 10, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 8 बन जाएगा, इसका 10 यहाँ गया और इसका 10 ऊपर चला गया, ये 10 इस 10 के साथ कट जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब दो पॉइंट इस तरह डिवाइड हो रहे हो तो उन दोनों पॉइंट को आपस में काट सकते हैं। ये हो गया हमारा खत्म, 60/15 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया, ये इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि 60 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम इसको मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर अगर नहीं है तो आपके लिए इजी मेथड क्या है कि इसको इस तरह हम काट देते हैं, इस तरह ये 5 3 15 आ गया, 5 5 1 बचा वो इधर चला गया, 5 2 10, ठीक है। अब ये 3 इसके साथ कट रहा है, 3 1 3 3 4 12, अब हमारे पास रह गई 4 मल्टीप्लाई बाय 8 ये वैल्यू रह गई है, 4 8 4 8 का हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप यूनिटरी मेथड से भी करें तो हमारे पास सेम यही आंसर आता है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1A भी क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर देंगे, तो तब तक हमें इजाजत दें।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।